गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मैंने माता रानी का श्रृंगार किया है और उनको ये रेड कलर की साड़ी पहनाई हुई है। और ये है नवरात्रि का नेक्स्ट डे, मतलब कि चौथा और पंचमी वाला दिन, एक ही दिन पड़ गई थी दोनों, तो ये वो दिन है। और मैंने है ना ये काले कलर की साड़ी जो उड़ाई थी माता रानी को, इसमें वो बहुत अलग लग रही थी, मतलब सबसे अच्छी वो आज ही के दिन लग रही थी इतने नवरात्रि में। और जो साड़ियाँ हैं ना वो दे के जाते हैं सब लोग पहनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक करके साड़ी उनको पहनाएं, कितने बार हम बदलेंगे एक दिन में, तो फिर क्या करते हैं कि कुछ साड़ियों का लहंगा बना देते हैं माता रानी को और एक साड़ी उड़ा देते हैं ऊपर से और फिर डाल देते हैं चुन्नी। मतलब ऐसे हम लोगों ने किया था कि सब लोगों की साड़ी पहन जाए, रोज ही आती हैं साड़ियाँ उनके लिए, तो सभी लोग चाहते हैं कि माता रानी की पहनी हुई साड़ी हम पहने, तो इसलिए सब लोग दे के जाते हैं। ये सब लोग हम लोग साथ में करते रहते हैं, कैसे नवरात्रि के दिन निकलते जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अगला दिन है जो माता रानी को ये वाली साड़ी पहनाई है, मतलब ये छठवां दिन है। और ये नेक्स्ट डे हम गांव आ गए हैं अभी, क्योंकि अब हमारी अष्टमी की पूजा है तो इसलिए हम लोग गाँव आए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस, शाम का टाइम है तो सोचा कि फार्म हाउस हमारा बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरा, तो हम लोग घूमने जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, और मतलब ये घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, हम लोग पैदल ही आ गए थे, इतने पास है। और काम देखिए लगा हुआ है अभी, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, तो ये दहलान है, दहलान बनी हुई है सामने, या पोर्च कह लीजिए, बरामदा कह लीजिए, जो भी है वो है। और सबसे पहले चलते हैं हम ऊपर, क्योंकि नीचे अभी फर्श हुआ है, थोड़ा सा गीला है, तो जब तक हम लोग ऊपर घूमेंगे तब तक वो सूख जाएगा, तब हम लोग अंदर चलेंगे। तो ये देखिए छत पर भी सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि काम चल ही रहा है। और मौसम तो आप देख ही लीजिए कितना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और हम लोग लेट हो गए थे तो थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था, अगर थोड़ी सी और जल्दी आते ना तो और भी बहुत अच्छा लगता। और इधर देखिए विधान को मिल गई अच्छी जगह खेलने के लिए, तो बस अब वो मस्ती कर रहा है बहुत। पर छत पर बैठने के लिए स्टूल टाइप के बना लिए हैं सीमेंट के, तो जेठानी जी ने उनका तुरंत ही यूज कर लिया है। और ये हरियाली है ना, ये आंखों को बहुत सुकून देती है, फिर लगता है कि कहीं ना जाएं, बस ऐसी ही जगह रहें जहां पर ये हमें देखने मिले। और इधर है ना विधान पर बहुत ध्यान देना पड़ रहा है कि कहीं वो रेत ना खा ले, वो पूरी फ्राक में है कि कोई देख ना पाए और मैं रेत मिट्टी कुछ खा लूं। चलते हैं हम नीचे। तो अंदर आते ही ये है सामने वाला कमरा, तो यहाँ पर है ना दो खिड़कियां हैं, तो एक ये है यहाँ से सामने का दिखता है और ये एक पीछे खिड़की दी हुई है तो यहाँ से पीछे का दिखता है, लेकिन दोनों ही तरफ हरियाली है, खेत हैं, तो मतलब देखने में व्यू बहुत अच्छा है। और ये है दूसरा वाला कमरा अंदर का, तो ये एक छोटा कमरा ये अंदर भी है और वो वहां पर लेटवाथ है।
तो जब यहाँ पर है ना अच्छा रंग रोगन हो जाएगा, कलर हो जाएगा सब में, तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अभी तो ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आएगा कि ये कैसा है। तो टाइम काफी हो गया है, तो अब हम वापस चलते हैं और दर्शन कर लीजिए। ये हमारे गांव का मंदिर है। तो अभी के पहले जब मैं आई थी तो बहुत छोटा सा मंदिर था मतलब, और अब ये काम लगा हुआ है, देखे तुलसाना भी है और ये बहुत सारी जगह है, तो बस ये बनता जा रहा है और भी। और गुड मॉर्निंग, आज है अष्टमी वाला दिन, तो हम लोगों का सारा काम हो गया है मतलब खाना पीना भी बन गया है, सुबह के सारे काम हो गए हैं और अब होगी हमारी अष्टमी की पूजा, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं आपको पीछे का व्यू दिखा रही थी, बहुत अच्छी वाली धूप अभी निकली हुई है और यहाँ पर शुरू हो गई अष्टमी की पूजा। तो लगभग सभी लोग आ गए हैं, मतलब वो लोग नहीं आए हैं जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो है वो सभी लोग आ गए हैं। तो हमारा घर परिवार बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर सभी जेंट्स बैठे हुए हैं, ये पूरा कमरा ही फुल हो जाता है। और ये सब तैयारी मतलब पूजा हो गई है और अभी आरती चल रही है, तो घर के बड़े आरती कर रहे हैं और घर के सभी लोग आरती करेंगे। और यहाँ के जस्ट बाहर वाला जो कमरा है वहाँ पर सारी लेडीज हैं जो पूजा कर रही हैं। अब सभी जेंट्स पूजा करके चले गए हैं, तो अब यहाँ पर करेंगी लेडीज पूजा, मतलब पहले घर की बड़ी करेंगी पूजा, उसके बाद करेंगे। और यहाँ पर जो ये रखे हुए हैं ना, प्रसाद रखा हुआ है ना, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, इनको खूट बोलते हैं, और इस पर नारियल के टुकड़े और थोड़ी सी वो खीर रखी जाती है बिना शक्कर वाली। तो यहाँ पर जो हमारी कुलदेवी है उनको अक्षय चंदन चावल हम लोग चढ़ाएंगे, और उसके बाद घर के जो बड़े रहते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पर मेरी बड़ी सास बैठी हुई है, तो उनसे हम लोग अपना खूट लेते हैं मतलब अपना प्रसाद लेते हैं। और पूजा पाठ सब हो गया था, उसके बाद हुआ था खाना पीना, तो मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये सारा कुछ शेयर कर चुकी हूँ। और पूजा सब संपन्न होने के बाद फिर अब हमारी जिठानी जी चली गई थी, क्योंकि मैं रुक रही थी तो फिर वो चली गई थी। और यही था हमारे आज की वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और इस वीडियो में आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रही होगी, तो प्लीज़ इस बात को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं गांव में हूँ और गांव से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पर तेज बोल पाना पॉसिबल नहीं होता है इस वजह से। और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।